नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। तो चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पौड़ी में कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस कमेटी पौड़ी के जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल के आह्वान पर बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूरे देश और प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है। बीजेपी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की जो बात कही थी वो मात्र जुमला ही साबित हो रही है। आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर माननीय गणेश गोदियाल जी, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर हमें आदेशित किया गया है कि जिस तरह पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, भाजपा सरकार इन तमाम जन विरोधी नीतियों से लिप्त है और आने वाले 2022 में जो हमारी कांग्रेस सरकार का मेन मुद्दा है वो बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर है। इन्होंने झूठे जुमलेबाजी कर बेरोजगारी में इन्होंने वादा किया था कि हम लोग बेरोजगारी कम करेंगे, लेकिन बेरोजगारी आज आप आलम देख रहे हैं कि हर आदमी, उत्तराखंड की जनता हो चाहे देश का हर व्यक्ति हो, पढ़ लिख कर आज बेरोजगार घूम रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी 6 जनवरी से काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में काशीपुर नव परिवर्तन पदयात्रा निकालेगी। ये पदयात्रा 19 जनवरी तक चलेगी और पदयात्रा के दौरान दीपक बाली पूरे विधानसभा क्षेत्र में गली मोहल्लों में घूम घूम कर और चौपाले कर वहां की जन समस्याओं से रूबरू होंगे। बता दें कि इस यात्रा के संयोजक पार्टी के जिला अध्यक्ष मुकेश चावला हैं। बाली ने काशीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से अनुरोध किया है कि पदयात्रा के दौरान उन्हें लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी समस्याओं से अवगत कराएं। छः जनवरी की सुबह 10 बजे हम लोग पैगा गांव से इसकी शुरुआत करेंगे। नव परिवर्तन पदयात्रा इसको हमने नाम दिया है और इसके जो संयोजक हैं वो हमारे जिलाध्यक्ष मुकेश चावला जी हैं और ये लगभग 14 दिन तक चलेगी। इसमें जहाँ जहाँ रात होगी वहीं वहीं रात्रि विश्राम होगा और सुबह फिर वहाँ से आगे बढ़ा जाएगा और इसमें काशीपुर की जितनी भी ज्वलंत समस्याएँ हैं उन सबको रूबरू देखना चाहते हैं, जिससे कि आने वाले समय में अगर जनता आशीर्वाद देती है और काशीपुर से आम आदमी पार्टी का विधायक बनता है तो वो प्राथमिकता के आधार पर उन समस्याओं को दूर कर सके, क्योंकि इस सरकार से तो ये उम्मीद है नहीं अब कि वो जो समस्याएं हैं जिनकी वजह से काशीपुर को इनके उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कस्बा कहा था, तो इस शहर को, इस शहर का बेटा होने के नाते मैं इस धब्बे को हटाने का पूरा प्रयत्न करूँगा और जनता से मिलूंगा, उनके बीच में बैठूंगा और रात्रि विश्राम भी वहीं करूंगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तराखंड के अंदर पहला स्थान पाने वाली नगरपालिका मुनि की रेती के पर्यावरण मित्रों को कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सम्मानित किया है। पर्यावरण मित्रों की हौसला अफजाई के लिए उनको उपहार भी दिए गए। कैबिनेट मंत्री ने पर्यावरण मित्रों की पीठ थपथपाते हुए कहा कि उत्तराखंड में मुनि की रेती नगर पालिका को स्वच्छ सर्वेक्षण में दूसरी बार पहला स्थान मिला है। इसके लिए सभी पर्यावरण मित्र बधाई के पात्र हैं। उन्होंने नगर पालिका का सहयोग करने पर स्थानीय लोगों का भी आभार जताया है। तो ऋषिकेश की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सुबोध उनियाल ने आज सम्मानित किया है। देखिए, रेती को लगातार दूसरे वर्ष भी प्रथम स्थान पर आने का अवसर मिला है और इसमें सबसे बड़ा जो हमारा जो साथ होता है हमारे सफाई कर्मचारियों का होता है, जो जिनको पर्यावरण मित्र के रूप में ये बहुत अच्छा प्रयास ही रहा जो जो इन लोगों ने जिनके प्रयासों से, जिनके कर्मों से ये पुरस्कार प्राप्त हुआ, उनको पुरस्कृत करने का निर्णय अपने आप में निर्णय और जिस तरह से उनको जो नगर पालिका को प्राप्त हुई उस पुरस्कार की पूरी तरह से अपने कर्मचारियों को बांटना, मैं समझता हूँ ये उनको और प्रेरणा देने का काम करेगा और निकलो और मेहनत करके लगातार इस स्थान पर बरकरार रखने का प्रयास करेंगे।
वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जुबानी हमला किया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री उत्तराखंड में आकर एक के बाद एक घोषणा कर रहे हैं, वो धरातल पर कभी उतर नहीं सकती, क्योंकि सत्ता से बाहर रहकर घोषणा करना बहुत आसान होता है, जबकि सत्ता में रहकर सरकार ने जनता के लिए क्या किया ये बेहद अहम होता है। देखिए, सत्ता के बाहर रह के घोषणा करना बहुत आसान काम है। सत्ता में आकर के आपका क्या आपने किया आम आदमी के लिए, कितनी संवेदनशीलता आपके पास है, ये सबसे बड़ा परिणाम होता है। आप 300 यूनिट दिल्ली में, दिल्ली जैसे ऐसा राज्य जहां पर आर्थिक संसाधन असीमित हैं, वहां तो आप 300 यूनिट फ्री नहीं दे पा रहे। आप उत्तराखंड के सीधे लोगों को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह सीधी सी बात है कि आज आवश्यकता ये है कि आदमी नकारा न बने, बल्कि आदमी मेहनत से कमाना हम उसको सिखाएं, उसको मैक्सिमम इनपुट पर सब्सिडी दें, जितना ज्यादा से ज्यादा सब्सिडाइज करके हम उसको मदद कर सकते हैं। चमोली के विकासखंड जोशीमठ पहुंचे बद्रीनाथ विधानसभा के विधायक महेंद्र भट्ट ने पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को मोमेंटो देकर शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान विधायक महेंद्र भट्ट ने कहा कि मतदान करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसका प्रयोग हमें अपने लिए, अपना शासन चुनने के लिए जरूर करना चाहिए। मतदान सुबह सकारात्मक ऊर्जा के साथ होना चाहिए। खुद मतदान करने के साथ साथ और लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करना हमारा दायित्व है। छह जनवरी को लालकुआं के बेरी पड़ाव में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य की होने वाली विशाल जनसभा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल है। वही जनसभा को सफल बनाने के लिए वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने अपने हल्दू चौड़ स्थित कार्यालय में युवाओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होंगे। भाई, 6 तारीख को बेरी पड़ाव में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री हरीश रावत जी व उनके साथ हमारे पूर्व में 2 बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे श्री यशपाल आर्य जी, वो दोनों एक जनसभा को यहाँ संबोधित करेंगे और उसमें भाजपा के कई बड़े नेता जैसे कि शंकर जोशी जी, जो वर्तमान में ग्राम प्रधान है खड़गपुर के, और उनकी श्रीमती किरण जोशी जी, उनकी पत्नी, जो पूर्व में बरेली लोड से जिला पंचायत की सदस्य रही हैं, और उनके साथ उनके सैकड़ों समर्थक जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री जी के स्वागत के लिए हम लोग जो है हजारों की संख्या में जो है कांग्रेसजन वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं भगवानपुर में छिड़े एक सियासी ड्रामे की, जहां भगवानपुर थाना क्षेत्र के सिकरौड़ा गांव में एक आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और थाने ले आई। शायद पुलिस को नहीं मालूम था कि आरोपी बीजेपी नेताओं का करीबी है और उसका नाम बबलू उर्फ राकेश है। बस फिर क्या था, नेताजी को थाने लाते ही बीजेपी नेताओं का तांता लगना थाने में शुरू हो गया। बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता, यहां तक कि विधायक तक थाने में आधमके और आरोपी की पैरवी करते दिखे। इतना ही नहीं, सत्ता की हनक दिखाते हुए पुलिस अधिकारियों पर सत्ता का रौब झाड़ना भी शुरू कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि बीजेपी नेताओं ने थाने का घेराव तक कर डाला। तब जाकर मंगलौर सीओ पंकज गिरोला भी रात में ही थाने आना पड़ा। वहीं जब रात में ही मीडिया के कैमरों ने आक्रोशित बीजेपी नेताओं पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, तो धीरे धीरे बीजेपी नेता वहां से खिसकते नजर आए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दर्शकों, लक्सर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, लक्सर पुलिस ने 20 दिन पहले डीजे की दुकान में चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने एक लैपटॉप और चोरी में प्रयुक्त एक कार को भी बरामद किया है। वहीं जानकारी देते हुए लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि डीजे की दुकान में चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें से अभी 4 आरोपी फरार हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
16-12 की रात्रि में जो है एक डीजे वाले के यहाँ पे जुल्फकार डीजे वाला है उसके दुकान में चोरी हुई थी करीब 4 लाख की। एम्पलीफायर ले गए थे, लैपटॉप वगैरह ले गए थे और वो जो है लक्सर पुलिस के अथक प्रयास से चौकी इंचार्ज सुल्तानपुर द्वारा जो है 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। जो गाड़ी इस्तेमाल की थी चोरी में उसे भी रिकवर कर लिया गया है और 4 लोग इसमें फरार हैं। दीपक और सोनू 2 अरेस्ट हुए हैं, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। वही मंगलौर नगर पालिका के बाहर तालाब की खुदाई को लेकर पिछले 129 दिनों से धरने पर बैठे किसानों का धरना समाप्त हो गया है। एसडीएम ने किसानों को जूस पिलाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों का धरना समाप्त करवाया। बता दें कि मंगलौर कस्बे में जल भराव की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण BKU के साथ मिलकर पिछले 4 महीने से नगर पालिका मंगलौर के बाहर धरने पर बैठे हुए थे, जिसके बाद अब उनका धरना समाप्त हुआ है। मामला ये था, जिस समस्या का समाधान हुआ वह समस्या यहाँ 20 साल से चली हुई आ रही थी। मोहल्ला टोली के जो लोग थे मोहल्लेवासी वो इतनी गंदगी में रह रहे थे, बरसात हो जाती उनके घरों में 3-3 फीट पानी हो जाता, पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं था। यहाँ नगर पालिका को नोटिस दिया गया लेकिन कुछ कार्रवाई थोड़ी हल्की हुई, जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहती वह नहीं हुई। हमने फिर यहाँ धरना लगाया, आज 129 दिन के बाद में जो वह समस्या थी उसका पूर्ण रूप से समाधान हो गया। वे मोहल्लावासी अब रात की सांस लेंगे और वे बहुत आराम से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। किसान यूनियन के द्वारा जब उनके द्वारा हमारे संज्ञान में ये बात लाई गई तो हमने उन्हें आश्वस्त किया कि जोहड़ तालाब की भूमि वो हमारा मूल काम है, उसको खाली कराना, और उसी के क्रम में उसको खाली कराया गया। हम वो धन्यवाद के पात्र हैं, हमारी बात से संतुष्ट हुए, उनके द्वारा आज धरना समाप्त किया गया। साथ ही दर्शकों, हल्द्वानी की मुखानी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने लाखों का जीरा पकड़ा है, तो वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। मामले में हल्द्वानी ने एसपी सिटी हरबंश सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि हल्द्वानी बाजार में आरोपी लंबे समय से यूपी से जीरा, धनिया और इलायची चोरी कर सप्लाई करते थे, जिन्हें मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ ही गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। 3 तारीख को वादी डेविड शर्मा द्वारा कोतवाली में आके बताया गया, ये तहरीर दी गई कि उसकी दुकान से 32 कट्टे जीरा, 5 कट्टे धनिया और कुछ अन्य सामान चोरी हो गया है, जिसके उनकी ये जो तहरीर के आधार पर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया और टीमों का गठन किया गया इस चोरी को खुलासे के लिए, जिसमें बालकृष्ण जो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं उनकी नेतृत्व में टीम थी, उन्होंने पूरे क्षेत्र के CCTV फुटेज खंगाले और CCTV फुटेज खंगालने के बाद उन्होंने मंडी बाईपास तिराहे पर रोड पर वो चेकिंग कर रहे थे, वहाँ एक टेम्पो में से उनको 12 कट्टे जीरा बरामद मिला और जो व्यक्ति उसको चला रहा था, जो पकड़ा गया, वो उगर नाम का व्यक्ति है, जो मूलतः मोतिहारी जिला बिहार, जो मोतिहारी बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में मंगल पड़ाव में किराए के मकान में रह रहा है। लालकुआ के बिंदु खत्ता के जनता इंटर कॉलेज जड़ सेक्टर में श्रम विभाग की तरफ से लगे शिविर में ग्रामीणों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा, जहां शिविर में ग्रामीण सुबह 6 बजे से ही पहुंच गए लेकिन श्रम विभाग की तरफ से दोपहर 3 बजे तक भी किसी सामान का वितरण नहीं किया गया, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं शिविर में पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने लोगों को जगह जगह स्थानों पर नाम लिखने को कहा, तो नाम लिखने के दौरान वहां भगदड़ होने लगी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और भीड़ को नियंत्रण में किया है। मिला? कुछ नहीं मिला और जो भीड़ हो गई है तो मारा पीटी हो जा रही है। यहाँ पता चला सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, किसने बताया था यहाँ निकले? यहाँ पता दुमका जी ने बताया था, विधायक जी ने जी पता चल गया था, इसलिए आए। सामान जैसा जो कीट वगैरह सब मिल रहा है ना, कौन बांटेगा, किसने बुलाया था? ये लेबर कोर्ट से बुला रहा था। क्या परेशानी, सुबह से परेशानी है, एक पैर पकड़ के खड़े हो रहे, एक पैर पकड़ के खड़े, सुबह से 9 महीने का बच्चा पकड़ के घर से आए हैं, छोड़ के आए हैं, घर में कोई नहीं है। अरे सामान मिलेगा, 5 साल हो गए, मिला ही नहीं कुछ भी हमको। किसने बुलाया था? ये बुलाया था, मैसेज आया था, आओ करके। अब यहाँ देखो सुबह से फूके हम, कब तक इंतजार करना पड़ा? इंतजार तो घंटे हो गया, अभी सुबह से आई हैं ये छोड़ छाड़ के।
देखिए आज श्रम विभाग के श्रमिकों को किट वितरण होना था, जिसमें बिंदु खत्ता को हमने सूचना की हुई थी और एक तकरीबन एक दिन में 300-350 लोगों को बांटा जा सकता है। सूचना के आधार पर संख्या बल इतना यहां पर आ गया श्रमिकों का कि जो ये ग्राउंड लगभग पूरा भर गया और एक अव्यवस्था होने के कारण प्रॉपर तरीके से किट वितरण नहीं हो पाए। मंगलौर से नारसन राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर गलत दिशा पर चलने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया गया। हरिद्वार यातायात SP मनोज कत्याल ने ट्रैफिक पुलिस और कोतवाली मंगलौर पुलिस के साथ मिलकर मंगलौर बस स्टैंड पर खड़े वाहन और गलत दिशा में दौड़ रहे वाहनों के चालान काटे। यातायात निरीक्षण करने पहुंचे SP यातायात और मनोज कत्याल ने बताया कि नेशनल हाईवे मंगलौर से नारसन तक सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हुई है, जो यातायात नियमों का पालन नहीं करते, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन और तेज गति से आ रहे वाहनों के चलते सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये अभियान चलाया जा रहा है ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध, जो समीक्षा करने पर यह प्रकाश में आया कि जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है फिर से, और एक्सीडेंट का मेन कारण जो है वो ओवरलोड है। तो इसमें ओवरलोड के जो भी वाहन हैं, चाहे वो यात्री वाहनों में ओवरलोडिंग हो रही है या वो मालवाहकों में ओवरलोडिंग हो रही है, तो उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा रही है। साथ में हम लोगों का फोकस ड्रंकन ड्राइविंग पे है और नाबालिग जो वाहन चलाते हैं उन लोगों पर हमारा फोकस है जो एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। तो पर्टिकुलरली एक्सीडेंट्स के घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से ये चेकिंग की जा रही है और इसमें जो जनता ने और जो लोगों ने समस्याएं बताई हैं, जैसे कुछ जगह पर भारी वाहनों के प्रवेश की समस्या बताई है और कुछ इसमें इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ फ्लॉज हैं जिनको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वो संबंधित विभाग से समन्वय करके उन्हें भी दूर किया जाएगा। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और SSP योगेंद्र सिंह रावत ने तहसील लक्सर पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी हैं। वहीं जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने बताया कि लक्सर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 45 शिकायतें मिली, जिनमें से 4 शिकायतों को मौके पर ही उनका निस्तारण किया गया है। बाकी अन्य शिकायतें संबंधित अधिकारियों को जांच कर निस्तारण करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित रही, वहीं उसके बाद विकास विभाग संबंधी शिकायतें भी सामने आई हैं, जिनकी जांच कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तहसील दिवस में कुल 45 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उसमें से 7 शिकायतों का निस्तारण किया गया है और शेष के लिए टाइम बाउंड ऑर्डर किया गया है कि किस शिकायत को कितने दिन के अंदर निस्तारित करना है। और मुख्य रूप से आज राजस्व विभाग की शिकायतें अधिक थी और बेसिकली पैमाइश को लेकर, चक्रोड पे कब्जे को लेकर इससे संबंधित शिकायतें, इसके अतिरिक्त खतौनी में दुरुस्तीकरण से संबंधित शिकायतें, ये शिकायतें आई हैं। और दूसरे स्थान पर विकास विभाग से संबंधित शिकायतें रहीं और बेसिकली उसमें मुख्य रूप से डिमांड बेस लोगों की ज़्यादा है, जैसे कि वहाँ पर पुलिया का निर्माण। तो इसको हम लोग निस्तारण इसका इस प्रकार से करते हैं कि अगर वित्तीय प्रबंधन हमारा अनुमति देता है तो ये मैंने निर्देश BDO को दिया है कि कार्य योजना में इसको शामिल करें। और इसके अलावा मुख्य रूप से इन्हीं दो विभागों की शिकायतें आज ज़्यादा रही हैं। इसके साथ ही लक्सर में ओवरलोड के खिलाफ लगातार उठ रही आवाज पर संज्ञान लेते हुए ARTO ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है, जिसके तहत लक्सर के रुड़की तिराहे पर ARTO ने तीनों ओर से आ रहे ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कस दिया, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया और सड़क पर दौड़ रहे वाहनों के चालकों ने अपने वाहनों को इधर उधर छिपा दिया। इस दौरान जो वाहन ARTO की पकड़ में आए उन पर सख्त कार्रवाई की गई है। कार्रवाई कर रहे हैं, अभी भी आप देख रहे होंगे हमारी 3 टीम यहाँ पर है और लगातार हम लोग ओवरलोड पर तीनों तरफ से अभी कार्रवाई करते हुए आ रहे हैं। अभी तक हमने 5 या 6 गाड़ियों के चालान कर दिए हैं और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और जिससे जो दुर्घटनाएं हो रही हैं ओवरलोड की वजह से इनको रोका जा सके। वहीं चमोली में 194 स्कूलों में टीकाकरण करवाया जाएगा। इस अभियान के लिए पूरे जिले में 27,743 बच्चों का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के दौरान सभी लाभार्थियों को कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की सुविधा के साथ ऑन स्पॉट पंजीकरण की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। अभियान के दौरान केवल कोवैक्सीन ही प्रयोग में लाई जाएगी। अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग चमोली की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हम सुबह 9 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे
बच्चों में अच्छा क्रेज दिख रहा है, सारे बच्चे 15 से 18 साल तक के बच्चे हैं, अच्छा वैक्सीनेशन हो रहा है। और घूमने में भी यहाँ छुट्टी पड़ी है, फिर भी भीड़ आप देख रहे कितनी भीड़ बच्चों की लगी हुई है। और 9 बजे से हम लोग यहाँ पे पहुँचे। वैक्सीन लगाए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं जो जितने भी बच्चे हैं उनसे वैक्सीन लगाई। मैंने बालिका इंटर कॉलेज में वैक्सीन लगाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा अनुरोध है कि जो भी 15 से 18 वर्षीय बालिकाएं हैं वो भी अपने वैक्सीनेशन कर दें। हरिद्वार में जंगली जानवरों का शहरी इलाकों में दिखना लगातार जारी है। हरिद्वार की भेल कॉलोनी में जंगली सांभर का झुंड खाने की तलाश में जंगल से निकलकर BHL कॉलोनी में आ गया, जिसका वीडियो स्थानीय युवकों की तरफ से बना लिया गया। कॉलोनी वासियों ने बताया कि आए दिन जंगली जानवर देर रात कॉलोनी में नजर आते रहते हैं। जानवर यहां पर खाने की तलाश में आते हैं। हर दिन जंगली सांभर का पूरा झुंड यहीं पर देर रात तक घूमता रहता है। इसके साथ ही चमोली में भी थराली विकासखंड के सोलपट्टी में भालुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं बीते रोज देर शाम को एक युवक अपने भाई के साथ घर के पास खड़ा था, इतने में युवक के भाई पर भालू ने हमला कर दिया। तो वहीं युवक ने साहस दिखाकर लाठी डंडे से भालू के चंगुल से अपने भाई को बचाने की कोशिश की, इतने में भालू ने युवक पर हमला कर दिया, जिसके बाद युवक का शोर सुनकर मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे और युवक को भालू के चंगुल से किसी तरह से छुड़वाया गया। ग्राम सभा रिसाण के भितलगाड़ी तोक, रतवानी तोक, कुमगरा तोक, सगोला तोक में जो कल और आए दिन भालू का अटैक हो रहा है, यहाँ पर वन विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ रेंजर साहब जी के साथ और ग्राम सभा के कई नौजवान, नवयुवक, वृद्ध बुजुर्ग सभी लोग जंगल में गश्त लगा रहे हैं और भालू को दूर भगाने के प्रयास कर रहे हैं। तो वन विभाग भी तत्पर हमारे साथ खड़ा है और अभी भालू तो दिखा नहीं, लेकिन सुबह कुछ लोगों को पुनः भालू दिखा। तो आगे इसमें वन विभाग की ओर से जैसे ठोस कदम उठाए जाएंगे उस प्रकार से निर्णय लिए जाएंगे। धन्यवाद। दर्शकों, उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। ये बर्फबारी सीजन की तीसरी बर्फबारी है। वहीं निचले इलाकों में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं पहाड़ी इलाकों में भी तेज बर्फबारी देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से निचले इलाकों में भी बारिश हो रही है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखी जा रही है। तो बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। उत्तरकाशी से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां की तस्वीरें अभी टीवी स्क्रीन पर हैं। निचले इलाकों में भी बारिश हो रही है, ये भी आपको बता दें, और साथ ही साथ ऊंचे इलाकों में, ऊपरी इलाकों में यानी पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। उत्तरकाशी से तस्वीर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।